हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिसका ब्लॉग्स में। तो जैसा कि मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था पोल को, तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा चूज किया है पनीर स्प्रिंग रोल, तो मैंने वही बनाया है आज। तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, वीडियो को आप एंड तक देखें। और यहाँ पर देखिए, टमाटर ले लिए चटनी बनाने के लिए, तीखा के हिसाब से मिर्च ले लेना है लाल, और उसके बाद लहसुन। तो इधर हम पीसने के लिए टमाटर को कट कर लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और कमेंट में भी बताना आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। तो वीडियो को आप एंड तक देखें। और उसके बाद आ गए हैं सिल पर पीसने के लिए। आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, और इन्हें बहुत ही अच्छे से पीस लेना है। और चटनी हमारी पीस गई है, उसके बाद आ जाना है इधर बनाने के लिए। तो डाल देंगे सबसे पहले ऑयल, और चटनी पीसी हुई, उसके बाद डाल देंगे पानी पकने के लिए। तो जितने में पक जाए उतना हमें डालना है, क्योंकि अच्छे से पके रहते हैं तभी बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में। उसके बाद इसमें डाल देना है चीनी थोड़ा सा, और नमक टेस्ट के हिसाब से, ताकि थोड़ा सा मीठा भी लगे, तीखा भी और खट्टा भी। तो अभी ये कुछ देर पका लिए हैं ढक करके, उसके बाद यहाँ पर हम डाल रहे हैं अच्छे से जब पक गए हैं चटनी, तो डाल रहे हैं सोया सॉस, और डालना है वाइट विनेगर, और इन सबको मिक्स कर लेना है। उसके बाद इधर प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए, चटनी ऐसे ही बनानी है, बहुत बढ़िया लगती है खाने में। तो अब ये रोल के लिए चटनी बनकर के तैयार है। इसके बाद हमें बनाना है मसाला। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम भूनेंगे आधा चम्मच जीरा, और उसके बाद इन्हें चलाते हुए भून लेना है बढ़िया से। थोड़ा सा दड़कने लगे हैं तो अब इनको हम पलट लेंगे यहाँ पर प्लेट में। उसके बाद आधा चम्मच खड़ी धनिया को भी रोस्ट कर लेना है, और इनको भी इसी में रख लेंगे। तो यहाँ पर पीस लेना है, तो सबको पीसने के बाद मिला देना है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद मैगी मसाला डाल देंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये रोल इतना बढ़िया लगता है खाने में कि हम आपको क्या ही बताएं। और ये मसाले को मिक्स कर लेना है। उसके बाद इधर पनीर ले लिए हैं, तो इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है, और प्याज को कट कर लिए हैं। इधर हरी मिर्च लहसुन अदरक को पीस लिए हैं। उसके बाद डाल देंगे पकने के लिए ऑयल, और गर्म हो जाने के बाद डाल देना है जीरा, लंबी कटी हुई प्याज। तो इनको कुछ देर पका लेना है। और यहाँ पे पक चुके हैं, तो हम डाल रहे हैं पिसा हुआ हरी मिर्च लहसुन अदरक, और इनको भी पका लिए हैं। उसके बाद डाल देना है पनीर, तो सबको मिला देंगे चम्मच से, और इनको चलाते हुए पकाना है। और उसके बाद डाल देना है मैगी मसाला इसमें। और फ्रेंड्स, ये जो पनीर हम मसालेदार बना रहे हैं, ये खाने में सच्ची में बहुत ही टेस्टी लगती है। आपका मन करेगा कि इसको हम सब ऐसे ही खा डालें, इतना बढ़िया लगता है। उसके बाद मिला देना है नमक। और वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप शेयर भी कर दें। तो ये देखिए, मसाला पनीर बन करके कम्प्लीट है। उसके बाद इसमें मिला देना है, आप चाहें तो इसमें हरी धनिया भी मिला सकते हैं। और इसके बाद बारी आती है पानी गर्म करने के लिए। तो यहाँ पे हम पानी को गर्म कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें सूजी गूंथना है। तो इधर सूजी को चाल करके ले लेना है। उसके बाद मिला देना है इसमें नमक, और हम सब में मिलाए हैं तो इसमें भी आपको थोड़ा सा ही मिलाना है, और हल्का गर्म पानी से इनको बढ़िया से गूंथ लेना है। उसके बाद इन्हें 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि अच्छे से फूल जाए। तो फ्रेंड्स, इधर 20 मिनट हो गए हैं, और आटा भी हमारा बहुत ही अच्छे सेट हो गया है। तो इनको एक बार अच्छे से गूंथ लेना है। उसके बाद यहाँ पर चकई कट कर लेना है, थोड़ा सा बड़ी ही रखना है रोटी जैसे। उसके बाद बेल लेना है, और जैसे हल्का गीला हो जाए तो आप इसमें सूखा आटा भी लगा करके बेल सकते हैं। थोड़ा सा लंबे साइज़ में बेलना है, और बीच से कट करना है। उसके बाद ये देखिए, इनको इस तरीके से रखना है जो मसालेदार पनीर को बनाए थे, और दोनों तरफ से इस तरह मोड़ देना है। इसमें आटा का पेस्ट बना लिए हैं पानी डाल करके, और उसके बाद ये देखिए, अच्छे से ये चिपक जाते हैं ऐसा करने से। और इनको रोल कर लेना है, आगे की साइड में भी लगा देना है पेस्ट को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रोल बन चुके हैं। इसी तरह सारे रोल को बना लेना है, और इसमें भी देखिए इसी तरह बनाना है। पेस्ट को पहले से लगा देना है, और उसके बाद दोनों तरफ इनको भी मोड़ लेना है।
और फ्राई करने के लिए तेल को गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख दिए हैं और अभी अच्छे से गर्म है तो इसी में हम सारे रोल को डाल देंगे पकने के लिए। और फ्रेंड्स जब ये थोड़े सा पक जाएंगे तो इन्हें हम पलट देंगे और बीच बीच में चलाते रहना है। तो अब ये रोल बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो इन्हें हम निकाल लेते हैं और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है तो दूसरी बार भी हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं। बढ़िया से इनको भी फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए फ्राई हो जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं तो इनको भी निकाल लेते हैं। और ये देखिए सारे रोल फ्राई होकर के तैयार हैं। और आप भी ये स्प्रिंग रोल ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो इधर जो मसाला है इनको हम ऊपर से डालेंगे, यहाँ पर चटनी में भी डाल देना है ताकि इनका भी टेस्ट और बढ़ जाए और दिखने में भी अच्छे लगे। तो इनको साइड में रख देते हैं और यहाँ पर हम कट कर लेते हैं स्प्रिंग रोल को। तो देखिए ऐसे ही कट करना है चाकू से। तो चलिए और भी कट कर लेते हैं इसी तरीके से। तो कुछ रोल को कट करने के बाद इधर प्लेट में रख लेते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मसाला है इसको भी इसी के ऊपर डाल देना है ताकि दिखने में अच्छे लगे और खाने में भी। तो वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो आप एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।